गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम बात करेंगे भारत के मंदिर यानी संपूर्ण मंदिर के वीडियो हम देखेंगे। इसमें भारत के जितने भी मंदिर हैं संपूर्ण हम वीडियो देखेंगे। इसमें सभी मंदिर को हम डिस्कस करेंगे और सभी का क्वेश्चन आंसर के साथ एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले माता वैष्णो देवी के मंदिर के नाम पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और एक शेयर जरूर कर देंगे और साथ साथ कमेंट जरूर कर देंगे, क्योंकि सभी मंदिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जो कि जानते हुए भी हम लोग गलती कर देते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कितना रहेगा टोटल? 40 प्रश्न देखेंगे हम सभी मंदिर से, सभी हम मंदिर से क्वेश्चन 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक शेयर जरूर कर दें कि सभी जो भी एग्जामिनर बच्चे होंगे सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ पहला कि सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? महाबलीपुरम, कांचीपुरम, मदुरै या पुरी, कहाँ स्थित है? यहाँ इसका राइट आंसर बताना होगा। तो कहाँ स्थित है सप्तरथ मंदिर? महाबलीपुरम स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे सभी फ्रेंड, कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है सप्तरथ मंदिर। और आज के हम सेशन में टोटल हम 40 प्रश्न देखेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न और क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस ईयर के सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन बनाया गया है। जो भी एग्जाम पूछा गया सभी एग्जाम से लेकर ये क्वेश्चन तैयार किया गया। तो आप वीडियो को पूरा धैर्य से देखेंगे और अच्छे लगे तो लाइक जरूर, वैष्णो देवी माता के मंदिर के नाम से पहले एक लाइक जरूर कर देंगे सभी मेंबर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है बताना है। यहाँ पे स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण मंदिर का एक और नाम होता है अक्षरधाम, ये ध्यान रखेंगे। स्वामी नारायण मंदिर का एक और नाम होता है क्या? अक्षरधाम। ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर कहाँ स्थित होते थे? गुजरात में है, ठीक है। स्वामी नारायण मंदिर यानी कि अक्षरधाम कहाँ स्थित है? गांधीनगर में स्थित है अक्षरधाम यानी स्वामी नारायण मंदिर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? देखिए ये क्वेश्चन एकदम सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, VVI ये क्वेश्चन, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, कोणार्क सूर्य मंदिर, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। फोर क्या है यहाँ पे? फोर दिया, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के मंदिर स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। फाइव क्या है कि किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है? किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है? कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है। ये जो अजमेर है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है? दरगाह है। ये अजमेर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम सिक्स देखते हैं। सिक्स क्या है यहाँ पे कि तिरुपति मंदिर किस नाम से स्थित है? तिरुपति मंदिर बताना है किस नाम से स्थित है। यहाँ पे तिरुपति मंदिर किस नाम से स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। दिलवाला मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाला मंदिर माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे? माउंट आबू में दिलवाला मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हेविल्ड में स्थित है। कहाँ पे? हेविल्ड में स्थित है। होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे? हेविल्ड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के हैं और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, एक बार वीडियो वॉच जरूर कर लेंगे।
चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 का है कोणार्क मंदिर, यहाँ दिया है कोणार्क मंदिर जिसमें हिंदू वास्तु कला का अद्भुत नमूना वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, किस राज्य में स्थित है। एक ही लाइन में क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है जो कि सूर्य मंदिर का है, ठीक ना। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोणार्क का काला पैगोड़ा किस देवता को समर्पित करता है। कोणार्क को काला पैगोड़ा किस देवता, तो सूर्य देवता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या सी, कोणार्क का काला पैगोड़ा सूर्य देवता को समर्पित करता है। चलिए तो हम अगला देखते हैं, हिंदुओं के 4 तीर्थ धाम जाना जाता है कौन कौन है। हिंदुओं के 4 तीर्थ धाम कहा जाता है कौन कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ये जो है ये हिंदुओं का 4 तीर्थ धर्म माना जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ घूमना चाहिए आप अपने लाइफ में सबको, यानी कि बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, ये तीन जो है यहाँ घूम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तीन धर्म आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है कौन सा। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है तो करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है, कौन, करणी माता के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, शेख इस्लिम चिश्ती के दरगाह कहाँ पर है। शेख इस्लिम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, फतेहपुर सिकड़ी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, कहाँ, फतेहपुर सिकड़ी में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है, ढाई दिन का झोपड़ा, तो सबको मालूम होगा कहाँ, अजमेर, ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अगला देखते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, अभी इसके ऊपर चर्चा हो चुका है, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर क्या, श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है, तो तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली में भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगा मंदिर स्थित है, कहाँ, तिरुचिरापल्ली में, ये ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 क्या है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है। जितने क्वेश्चन है यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, जो खजुराहो का मंदिर है किस धर्म से संबंधित है, तो हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। क्या, खजुराहो का जो मंदिर है हिंदू और जैन धर्म दोनों से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा है तो ये राजस्थान है, सही है, यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20, कामाख्या मंदिर भारत किस राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर तो असम में स्थित है, कामाख्या धाम मंदिर कहाँ स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 21 पे आते हैं। 21 क्या है, द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी मथुरा में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये तो सबको मालूम ही होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं 22, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है, तो कौन सा, तो विश्वनाथ धाम मंदिर, जो विश्वनाथ मंदिर है ये माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं, लेकिन विमला मंदिर, तेजपाल या वास्तुकाल मंदिर ये माउंट आबू पर स्थित है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर जो है माउंट आबू पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हम 23 देखें। 23 क्या है, श्री वर्धराजन का मंदिर यानी काचीपुरम किस देवता को समर्पित करता है, किस देवता को समर्पित करता है, तो विष्णु, किसको, विष्णु को समर्पित करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि भोजशाला मंदिर की अर्धास्त्री देवी कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, भगवती सरस्वती, क्या, भगवती सरस्वती। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन 25 देखते हैं। 25 क्या है,
चित्रगुप्त स्वर्ण मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ स्थित है बताना है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है कहाँ स्थित है तो उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी। और जितने भी क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन सभी का PDF आप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान? तो ऑप्शन नंबर ए पुष्कर, जो पुष्कर स्थान है ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के लिए मेले के लिए प्रसिद्ध है, क्या पुष्कर स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 देखते हैं। 27 क्या है, अंगोरवाट मंदिर स्थापित मूर्तियाँ किसका है, हिंदू देवता की है, ठीक है, सबको आसान क्वेश्चन है सबको मालूम होगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, कहाँ, उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। निष्कर्ष में आते हैं 29 देखते हैं। 29 क्या है, क्वेश्चन 29, वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की सुखाकृति उत्कीर्ण है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की सुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा के गुफाएं में स्थित है, कहाँ, एलिफेंटा के गुफाएं में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 देखते हैं। 30 क्या है, यहाँ पे भारत के चार विख्यात सूर्य मंदिर मोघरा यानी कि मोधरा गुजरात में है, कोणार्क उड़ीसा में, सूर्य कोविला तमिलनाडु तथा मारतंड, अंतिम सूर्य मंदिर निम्न से किस देश में पर्वत अवस्थित है, कहाँ, जम्मू और कश्मीर में, कहाँ, जम्मू और कश्मीर में अंतिम जो है वह स्थित है। क्वेश्चन पर हमारे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित नहीं है, तो पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में सूर्य मंदिर स्थित नहीं है। 33 देखते हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध सिलोत्तकर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलोरा में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है, किस राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है, कहाँ, जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या है कि विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कैंडी में स्थित है, कहाँ, दांत का मंदिर कैंडी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 35 देखते हैं। 35 क्या है, एलोरा स्थित गुफाएं शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है, तो बौद्धों से भी है, जैनों से भी है, हिंदुओं से, यानी कि इसमें से सभी से है एलोरा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं। 36 बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित करता है, विष्णु को समर्पित करते हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन हो गया जैन में, भी रिपीट क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक स्थल बोधगया कहाँ स्थित है, तो सबको मालूम होगा बिहार में ये बोधगया स्थित है, गया में ही स्थित होता है, बिहार के एक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफा स्थित है। फ्रेंड आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक कमेंट जरूर करेंगे और ज़्यादातर शेयर भी एक जरूर कर देंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।